नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट 24, आईना सच का। मैं आपके साथ एनी वर्मा। आइए रूबरू करवाते हैं देश की कुछ खास खबरों से। बदायूं से बड़ी खबर, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री आबद रजा ने भूख हड़ताल की। अपने समर्थकों के साथ जारक पर पहुंचकर उन्होंने भूख हड़ताल की है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले नवी किसान ने गलत टिप्पणी करने पर रामेश्वर यादव नाम के व्यक्ति पर पूर्व दर्जा राज्य मंत्री ने FIR दर्ज कराई थी और उसकी गिरफ्तारी की मांग की थी, जो अब तक नहीं हो सके। इसलिए आज पूर्व दर्जा राज्य मंत्री आबद रजा छोटे सरकार की दरगाह पर भूख हड़ताल पर बैठ गए और उनकी गिरफ्तारी की मांग की। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री आबद रजा ने कहा कि अगर रामेश्वर यादव की गिरफ्तारी नहीं हुई तो यह हड़ताल आक्रामक रूप ले लेगी और इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, क्योंकि प्रशासन ने अभी तक रामेश्वर की गिरफ्तारी नहीं की है। बदायूं से हमारे रिपोर्टर ने बताया कि आबद रजा की अगुवाई में हजारों मुसलमान ने पहुंचकर उनका समर्थन किया और आबद रजा द्वारा दिए गए ज्ञापन पत्र पर हस्ताक्षर भी किए हैं। आबद रजा गत दो दिन पहले जिला प्रशासन को अल्टीमेटम भी दे चुके हैं कि पैगंबर पर भद्दी टिप्पणी करने वाले रामेश्वर को अगले 3 दिन में गिरफ्तार नहीं किया गया और भाजपा नहीं लगी तो वो आंदोलन करेंगे। आज तीसरे दिन जब रामेश्वर की गिरफ्तारी नहीं हुई तो आबद रजा ने आज एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल शुरू कर दी और इस हड़ताल के बाद तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन भी दिया है। ज्ञापन पत्र सौंपने के बाद उन्होंने अपनी भूख हड़ताल तोड़ी है। तो तुम्हारा भाई हिमायत लेने के लिए तैयार है, तुम्हारा भाई तुम्हारी तरफ से आवाज उठाने के लिए तैयार है। बराबर ने मिल्लत इस्लाम या अल्लाह हु अकबर। आज जो जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक मेमोरेंडम की शक्ल में हम ये प्रशासन को ये बात बताना चाहते हैं।